बेबी इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आईफोन 15 ही चाहिए। लेकिन यार वो तो बहुत महंगा फोन है, अगर मैंने वो फोन खरीदा ना तो मेरी 2-3 महीने की सैलरी खर्च हो जाएगी। बेबी मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ और फिर आप मुझे एक फोन लेकर नहीं दे सकते। यार तुम्हें तो पता है मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और अगर मैंने तुम्हें फोन लाकर दे दिया तो फिर मेरा बजट बिगड़ जाएगा। तुम अपने लिए लाखों की गाड़ी खरीदना चाहते हो लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा फोन नहीं लाकर दे सकते। देखो काजल मैं इतना अमीर नहीं हूँ, वो क्या है ना कि मैं नई गाड़ी फाइनेंस पर निकालने की सोच रहा हूँ तो उसकी किस्त भी तो भरनी पड़ेगी मुझे। अगर तुम्हारे लिए सब कुछ गाड़ी ही है तो फिर भूल जाओ मुझे। अरे यार नाराज क्यों हो रही हो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। क्या आइडिया है बोलो। वो काजल मेरा गांव में ना एक दोस्त है और वो बहुत ही ईमानदार है। तो इसमें गांव का गवार क्या करेगा? तुम्हें उससे झूठा प्यार का नाटक करना पड़ेगा, वो भी कुछ दिनों के लिए। वो किस लिए? और अगर वो सच में देहाती लंगूर मेरे पीछे पड़ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे यार मैं किस लिए हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन उस गवार से प्यार करने से मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हें तो पता है गांव के लोग कितने बेवकूफ होते हैं। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, वो लोग दिमाग का यूज नहीं करते। तो समझो काम हो गया, तुम उसे ये विश्वास दिला दो कि तुम उसे सच्चा प्यार करती हो। यार ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहा है, एक आईफोन के लिए अब मुझे उस गवार से प्यार करना पड़ेगा। और क्या वो सच में इतना अमीर है कि मुझे आईफोन ला कर देगा? काजल यार तुम तो अच्छे से जानती हो गांव के लड़कों के लिए शहर की लड़की इतनी आसानी से नहीं मिलती है, जब तुम उससे प्यार करोगी ना तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि कब मिलवा रहे हो उससे। मैं तुम्हारे लिए उससे बहुत जल्द मिलवाऊंगा, पहले मैं मिलने जाता हूँ उससे, उसके बाद तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। ठीक है काजल अब मैं चलता हूँ। और भाई रोहितास कैसा है? अरे भाई मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और तू बता तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन यार तू हर टाइम ये खेती बाड़ी में ही लगा रहता है। अरे यार वीर तुझे तो पता ही है कि यही सब हमारा काम है और इसी से हमें खाने पीने के लिए मिलता है। अरे यार ये भी कोई जिंदगी है, तू हर टाइम यहाँ मिट्टी में लगा रहता है। मुझे देखना मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ का मैनेजर हूँ मैं, और हर वक्त एसी के कमरे में बैठकर काम करता हूँ। वीर तुझे तो पता है कि एसी में बैठने वाले लोगों के लिए भी अनाज यहीं से जाता है। ये तो है रोहितास, लेकिन मैं तो हर टाइम तेरे भले के बारे में ही सोचता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी खेती बाड़ी सब बेच दे और कहीं शहर में जाकर मकान ले ले, वहीं पर रहना सहना कर, तुझे जॉब भी मिल जाएगी। यार मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं इस जमीन को नहीं बेच सकता, क्योंकि ये सारी जमीन हमारे पूर्वजों की है। अगर तुझे खेती ही करनी थी तो फिर तेरी पढ़ाई लिखाई का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, मैं खेती करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ना फिर मैं खेती करना छोड़ दूंगा, फिर सारी खेती को ना मेरे पापा संभाल लेंगे। चल ठीक है, वैसे भी मैं तेरी जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल भाई क्या बताना चाहता है, क्योंकि मुझे ना ये पाइप अभी वहाँ जा करके फिट भी करना है। यार वो सब ना तू बाद में कर लेना, मेरी शहर में ना एक दोस्त है और मैंने उसको तेरा फोटो दिखाया था और तेरे बारे में बताया भी था, तू उसको पसंद आ गया है और वो तुझसे मिलना चाहती है, और बोल रही थी कि उसको गांव के लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। क्या यार वो सच में मुझे पसंद करती है, और क्या उसको मेरा ये काम भी पसंद आएगा? हाँ यार वो खेती बाड़ी का काम पसंद करती है, अगर मैं तुझे उससे मिलाना चाहूँ तो तू मिलना चाहेगा? हाँ यार मैं उससे जरूर मिलना चाहूँगा, वैसे कब मिलवा रहा है तू मुझे उससे? ठीक है तू कल शहर आ जाना और उससे मिलकर अच्छे से बात करना, उसका दिल जीत लेना। अब मैं चलता हूँ दोस्त। चल ठीक है यार मैं आता हूँ कल टाइम पर। भाई यार अब तो मेरे मजे आ गए, शहर की लड़की मिल गई मेरे लिए, तो शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो फिर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। कल तुम उससे मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ?
समझ लो मुर्गा फंस गया और कटने के लिए व्याकुल हो रहा है। अच्छा फिर तो बहुत जल्द मेरे हाथों में आईफोन 15 होगा। यार सच कहूँ ना तो वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। ठीक है फिर जल्दी मिलवाओ मुझे उससे। यार तुम्हें ना उससे इस तरह बात करनी है कि वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। वो सपना तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा लड़की होने का क्या फायदा अगर मैं उसे बस में ना कर पाई। तो फिर ठीक है वो कुछ देर बाद तुमसे मिलने के लिए आता ही होगा। यार मीर अभी तक वो आई नहीं और वैसे तूने उसको मेरे बारे में सब कुछ बता तो दिया है ना कि मैं आज उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अरे यार तू चिंता मत कर, तेरे बारे में ना मैंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है और कुछ ही देर में वो आने वाली होगी। चल ठीक है यार मुझे बहुत खुशी होगी उससे मिल करके। हाँ यार ठीक कहा तूने, वो भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी और वो यहाँ पर आ भी जाए ना तो तू अपनी तरफ से कोई भी गड़बड़ी मत करना। अरे यार तू उसकी टेंशन मत ले, मैं शहर की लड़की से ना पहली बार मिल रहा हूँ तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी यार तुझे तो पता है कि कॉलेज टाइम में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, शायद आज बन ही जाएगी। अरे देख आ गई वो, चुप हो जा। क्या यार ये है? यार ये तो बहुत सुंदर है। हाँ यही है, अब सही से बात करना इससे। हे गाइस। हेलो नमस्ते। अबे यार ये क्या कर रहा है तू उसके साथ, शहर में कोई नमस्ते नहीं करता है, सीधा हाथ मिला उससे। हेलो वीर, ये तुम्हारा वही दोस्त है ना जिसके बारे में तुम उससे अक्सर बातें करते हो? हाँ ये वही है। अच्छा तुम दोनों आपस में बात करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। और बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और वैसे मैं सच कहूँ ना तो आप बहुत खूबसूरत हो और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बल्कि मैं तो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी। जीत ने मुझे बताया था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। हाँ जीत ने ठीक बोला था, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हमको इतनी देर होगी बात करते हुए लेकिन मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। मैं कुछ कहूँ तुमसे? हाँ बोलो ना, हिचकिचा क्यों रहे हो? काजल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहित तुम्हें पता है मैं ये सब सुनने के लिए बहुत बेचैन थी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है रोहित अब मैं चलती हूँ और कल हम जहाँ भी मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूँगी। अरे यार तुम जा कहाँ रही हो और अगर हमें कल मिलना होगा तो हम बात कैसे करेंगे? तुमने मुझे अपना नंबर तो दिया ही नहीं, तो मुझे अपना नंबर बताओ हम बात कर लेंगे। रोहित मैं नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं है? चलो यार तुम चिंता मत करो, मैं ना एक या दो दिन में तुम्हारे लिए किसी फोन की व्यवस्था करता हूँ। अरे नहीं रोहित कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फोन देने की, हम ऐसे ही मिल लिया करेंगे। अरे यार ऐसे कैसे मिल लेंगे हम, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए कल ही फोन लेकर के आऊंगा। अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। यार ये तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। यार वीर तूने ना बिल्कुल सच कहा था, ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने तुझसे कहा था ना कि वो लड़की तेरे प्यार में पागल है। अच्छा ये बता तूने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया ना? हाँ यार मैंने उससे आई लव यू बोल दिया है। चल ठीक है अब हम चलते हैं। यार वीर मैं तुझसे एक बात बोलूँ? हाँ बोल यार। यार मैंने सुना है कि काजल के पास कोई फ़ोन नहीं है और मैंने ना उससे फ़ोन देने के लिए बोल दिया है, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए ना कोई अच्छा सा फ़ोन ला करके दे दूँ। अब तू ही बता ना कि कौन सा फ़ोन उसके लिए ठीक रहेगा। यार तू तो अच्छे तरीके से जानता है कि काजल एक शहरी लड़की है और वो छोटे मोटे फ़ोन तो चलाती नहीं होगी, तो तू एक काम करना उसको आईफोन 15 ला कर दे दे, क्योंकि वो ऐसा फ़ोन है उसको देख कर ना लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती हैं और जब तू उसे आईफोन 15 दे देगा ना तो वो तुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेगी। लेकिन यार ये आईफोन 15 कितने रुपयों का आता है? ऐसे आता होगा करीब 1 लाख रुपये के आसपास। क्या 1 लाख रुपये का? लेकिन यार मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं नहीं यार, इतना महंगा फ़ोन मैं उसको कहाँ से ला कर दूँगा? अरे यार तेरे लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तू तो जानता है कि तेरे पास कितनी ज़मीन जायदाद है, कोई भी अपना खेत बेच दे उसके बाद उसको फ़ोन लेकर दे देना। यार ये क्या बोल रहा है तू, मैं ज़मीन नहीं बेच सकता। यार रोहित तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, देख ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, अगर तूने उसको फ़ोन लेकर नहीं दिया ना तो वो लड़की तेरे हाथ से निकल जाएगी। हाँ वीर ये तो तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है,
मैं ना उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ और उसके बिना रह भी नहीं सकता। चल मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। चल ठीक है, अब हम चलते हैं। ये प्यार जो तुमसे करता है, जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही, ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना ये 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 शायराना लगता है। ओ किस तरफ है आसमां, किस तरफ जमीन, खबर नहीं जब से आया है सनम, मुझको खुद की भी खबर नहीं, खबर नहीं। ओ होश गुल सपनों के मैं बांध पल, आँख कब खुली खबर नहीं, खबर नहीं। है तेरी चाहत मेरी जरूरत। यार मुझे इतना टाइम हो गया उससे प्यार का झूठा नाटक करते हुए, लेकिन अभी तक उसने मुझे आईफोन लाकर नहीं दिया। अब मैं इससे ज्यादा और नाटक नहीं कर सकती। बस हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद उसका बाप भी हमें नहीं पकड़ सकता। यार एक आईफोन के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, और उस गवार के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। और वो गवार तो ये भी सोच रहा होगा कि मैं एक दिन उससे शादी कर लूंगी। कितना पागल है वो। यार तुम थोड़ा टाइम और इंतजार कर लो, वो तुम्हें जरूर फोन ला कर देगा। फिर उसके बाद ना तुम्हारे पास फोन आ जाएगा और मेरे पास मेरी गाड़ी आ जाएगी, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और वहाँ जाने के बाद ना खूब एंजॉय करेंगे। हाँ यार मैं भी यही चाहती हूँ। वीर तुमने तो कहा था रोहित ने मेरे लिए फोन खरीद लिया है, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं लेकर? तुम रुक जाओ, मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ उससे कि वो फोन लेकर कहाँ पर आ गया। अरे ये तो वीर की कॉल आ रही है। हेलो हेलो रोहित, कहाँ पर हो तुम? यार मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। अरे यार मैं और काजल इतनी देर से पार्क में बैठकर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी से आ जा। चल कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। ठीक है। देखो ना काजल, आज बकरा हलाल होने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है फोन लेकर। यार हम उससे फोन लेने के बाद कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाएंगे। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, जैसे ही फोन हमारे हाथ लग जाता है उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। यार वैसे तुमने सच ही कहा था, ये गाँव के लोग तो सच में बेवकूफ होते हैं। अब देखो ना, मैंने इस पागल से कहा था कि मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ, और उसने इस प्यार को सच मान लिया। काजल हमने जैसा प्लान बनाया था ना, आज हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। क्या काजल मुझसे सच में प्यार नहीं करती है? उसने सिर्फ प्यार करने का नाटक किया है और मुझसे बोल रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका मतलब वो मुझे धोखा देना चाहती है, और मुझसे इस आईफोन के लिए प्यार किया था उसने, लेकिन मैं उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। चलता हूँ। हेलो काजल। हेलो वीर। अरे रोहित आ गए तुम, अब लाओ जल्दी से मेरा फोन दे दो। कहाँ है मेरा फोन? सॉरी यार काजल, मुझे माफ कर देना। मुझे पता था कि तुम फोन लेकर नहीं आए हो। वीर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल कंगाल है। ये क्या रोहित, काजल तुझसे इतना प्यार करती है यार, उसके बाद भी तू इसके लिए फोन लेकर नहीं आया। यार वीर मैंने तुझसे कहा था ना कि इस समय पैसों की दिक्कत चल रही है, लेकिन हाँ काजल कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए पक्का आईफोन लाकर दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फोन लाने की, और हाँ मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, चले जाओ यहाँ से तुम। और एक बात बोलूं, मुझे भी नहीं पता था कि तू इतना बड़ा कंगाल है, वरना मैं भूलकर भी तुझसे दोस्ती नहीं करता। तू औकात की बात कर रहा है? अरे शर्म तो मुझे आ रही है तुझे अपना दोस्त बोलते हुए, जो तूने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। अरे ऐसी कौन सी गद्दारी कर दी मैंने तेरे साथ जो तू इतना मुझ पर भड़क रहा है? तुम शहर वाले अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझते हो कि हम गांव वाले कुछ भी नहीं जानते? मुझे तुम दोनों की हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है तुझे, और कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलना। यही कि तुमने मुझसे इस आईफोन के लिए झूठा प्यार किया था। रोहित तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो आईफोन है, इसका मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि असली मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ।
तुम क्या चाहते थे कि अगर मैं तुम्हें ये फोन दे दूंगा तो तुम इस शहर को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाओगे? इतना आसान नहीं है मुझे पागल बनाना। लेकिन रोहित, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें पागल बनाकर इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं? काजल, आज तुमने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि लड़कियां सिर्फ पैसों पर ही मरती हैं, और तुमने वैसा ही किया। नहीं रोहित, ये सच नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ, मुझे माफ कर दो। काजल, अब इससे ज्यादा झूठ नहीं सुन सकता मैं। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है जितने तुम बदल रही हो, और तुझे तो अपना दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि तूने मुझे दोस्ती में इतना बड़ा धोखा दिया है। आज के बाद ना तुम दोनों अपनी शकल मत दिखा देना। रोहित यार, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलता हूँ अब मैं।